तो फ्रेंड्स, मैं महतो आयर स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में। तो मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आ चुका हूँ फ्रेंड। और ये इस वीडियो के अंदर बेसिकली गए जहाँ पे जो एयर ड्रॉप टोकन है उसका गए जहाँ पे सीक्रेट आप लोग को लोकेशन बताऊंगा कि एग्जैक्टली गए जहाँ पे जो आप लोग का एयर ड्रॉप टोकन है वो कहाँ पे मिलेगा। और साथ में गए जहाँ पे बता दूं कि ये सेम इवेंट आप लोग का पबजी मॉल के अंदर भी आ चुका है। तो पबजी मॉल के अंदर किस टाइप का कॉन्सेप्ट के साथ और क्या रिवार्ड आया वो भी गए इसी वीडियो के अंदर आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो डेफिनेटली आप लोग वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा। और साथ में चैनल में पहली बार आओ दिल से आपको चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले गए जहां पे BGMI के बारे में बात करूं तो देख सकते हो गए जहां पे BGMI के अंदर आज सुबह एयर ड्रॉप एक्सचेंज सेंटर करके का इवेंट आ चुका है। और इसके अंदर में गए जहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आप लोग गए जहां पे देख सकते हो एक एयर ड्रॉप टोकन है जो कि गए जहां पे आप लोग को टोटल मिला के 200 चाहिए होगा तभी जाकर गए जहां पे एक एक करके इमोट आप लोग यहां पे रिडीम कर सकते हो। तो इसके लिए गए जहां पे सिंपली क्या करना है कि जो न्यू वाला गए जहां पे थीम हुआ है भले आप लोग अनरैंक मोड के अंदर लगा लीजिए उससे गए जहां पे दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में क्या करना है कि जो ऑसन पैलेस है उसी में गए जहां पे आप लोग चले जाना दो में से किसी एक में। और जैसे गए जहां पे जाइएगा तो उसके बाद में गए जहां पे क्या हुआ कि जो मेन हॉल रहता है वहीं पे आप लोग को जहां पे एक राउंड बस यहां पे लगाना है। और देख सकते हो जहां पे जैसे ही एक राउंड आप लोग लगाएगा तो इसी में गए जहां पे देख सकते हो ये जो एयर ड्रॉप टोकन है ये गए जहां पे जमीन में बस पड़ा हुआ आप लोग को यहां पे देखने को मिल जाएगा। और ध्यान रखिएगा जहां पे एक बार इसको आप लोग कलेक्ट कर लीजिएगा उसके बाद में गए जहां पे इन्वेंटरी के अंदर ही आ जाएगा उसके बाद ये गिरेगा नहीं। तो एक तो गए जहां पे मैंने दिखा दिया और इसी में गए आप लोग क्या करना है कि बस यहां पे राउंड लगाते जाना है। और जैसे गए जहां पे थोड़ा और आगे बढ़ते जाएगा तो उसके बाद में गए जहां पे बता दूं कि इसी राउंड में आप लोग को जहां पे जो ये टोकन है एक एक करके जहां पे मिलते जाएगा। और जैसे जैसे और थोड़ा आगे बढ़ेगा तो अभी मैंने गए जहां पे एक आप लोग दिखाया और इसी में गए जहां पे देख सकते हो थोड़ा और आगे जैसे जाऊंगा तो आगे जाने के बाद गए जहां पे एक और आप लोग को यहाँ पे दिख जाएगा एयर ड्रॉप टोकन। तो अभी तक गए जहाँ पे देख सकते हो मैं ये जो राउंड लगा रहा हूँ इसी में गए जहाँ पे दो मेरे को ऑलरेडी मिल चुका है। और बता दूं गाइस कि जो क्रेट है इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर में आप लोग को नहीं मिलेगा। और देख सकते हो गाइस यहाँ पे इसी राउंड में थोड़ा सा और जैसे आगे बढ़ा तो एक और गए जहाँ पे मेरे को एयर ड्रॉप टोकन मिल गया। इनकी अभी तक गए जहाँ पे देख सकते हो बस मैं एक ही राउंड यहाँ पे लगा रहा हूँ उसी में गए जहाँ पे तीन मिल चुका है। और थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ और जैसे गए जहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा कि एक और गए जहां पे एयर ड्रॉप यहां पे टोकन पड़ा हुआ है। यानी कि बस एक राउंड अगर आप लोग लगाते हो तो इसी में गए जहां पे देख सकते हो चार चार टोकन गए जहां पे मेरे को मिल गया। हालांकि आज बता दूं कि ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा गए जहां पे आप लोग को इस राउंड के अंदर में चार यहां पे देखने को मिलेगा। हो सकता है कि कभी कभी एक मिले कभी कभी दो मिले या फिर कभी कभी हो सकता है कि आप लोग को एक भी यहां पे ना मिले लेकिन ज्यादा चांसेस है इसकी इसी में आप लोग को यहां पे मिल जाएगा। और ये चीज गाइस मैं आप लोग को एग्जैक्टली मैप के अंदर यहां पे दिखा देता हूं। तो देख सकते हो गाइस यहां पे मैप में थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूं कि जो मेन हॉल रहता है उसी में गए जहां पे सिंपली क्या करना है कि एक राउंड आप लोग पूरा यहां पे लगाते जाना है। और मैं आप लोग दिखा भी रहा हूं कि एग्जैक्टली गए जहां पे किस टाइप से राउंड लगाना है। और इसी में गए जहां पे ये जो एयर ड्रॉप टोकन है आराम से गए जहां पे आप लोग को मिल जाएगा। और जैसे कि मैंने दिखाया गया इसकी मेरे को एक ही मैच के अंदर देख सकते हो चार चार गए जहां पे एयर ड्रॉप टोकन मिल गया। और उसके बाद गए जहां पे क्या हुआ कि जैसे ही मैच के बाहर आएगा तो ये जो एयर ड्रॉप टोकन है ये गए जहां पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा। हालांकि आज बता दूं कि फिलहाल के लिए ये जो इवेंट है ये ग्लिच है तो इसी कारण से अगर आप लोग एयर ड्रॉप टोकन को कलेक्ट भी कर रहे हो तो यहां पे बता दूंगा इसकी काउंट अभी नहीं हो रहा है। और ये चीज आप लोग कमेंट बताएगा इसकी क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है या फिर नहीं क्योंकि मेरे साथ तो गए जहां पे वही चीज हुआ यहां पे काउंट हुआ ही नहीं। बाकी अभी गए जहां पे बात करते कि एग्जैक्टली गए जहां पे डेली इसका क्या लिमिट होगा और कितना हम लोग को यहां पे जो एयर ड्रॉप ये डेली मिलेगा तो बता दूंगा इसकी यहां पे देख सकते हो क्लियरली रूल्स में लिखा हुआ है कि एक मैच के अंदर मैक्सिमम गए जहां पे चार आप लोग एयर ड्रॉप टोकन को यहां पे उठा सकते हो। और एक दिन के अंदर का गए जहां पे लिमिट है 12 इनकी 12 से ज्यादा गए जहां पे एक दिन के अंदर आप लोग यहां पे इसको कलेक्ट नहीं कर पाएगा। और क्योंकि गए यहां पे बता दूं कि ये जो इवेंट है इसका गए यहां पे टोटल मिलाकर अगर आप लोग डेज काउंट कीजिएगा तो 49 डेज होता है। और 49 डेज में गए यहां पे अगर आप लोग 12 से इसको इंटू कीजिएगा तो लगभग गए यहां पे बता दूं कि 588 गए जहां पे आप लोग का ये एयर ड्रॉप टोकन होता है जिससे गए यहां पे बता दूं कि मैक्सिमम आप लोग चाहो तो 2 गए जहां पे इमोट को ले सकते हो। बाकी इसके अलावा गए जहां पे मान लीजिए कि और कुछ एक्स्ट्रा मिशंस आता है इससे रिलेटेड तब तो गए जहां पे 2 से ज्यादा आप लोग इमोट ले पाएगा लेकिन फिलहाल के लिए गए जहां पे इतना मान के चलिए कि मिनिमम गए जहां पे 2 इमोट तो 100% कंफर्म है कि आप लोग को गए जहां पे फ्री में मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हो गया गए जहां पे कंप्लीट BGMI का सीक्रेट लोकेशन और साथ में यहां पे आप लोग को मैंने इवेंट समझा दिया। और बाकी गए बता दूं कि जो टोकन है ये आप लोग को और भी मैप में अलग अलग जगह पे जरूर देखने को मिलेगा लेकिन
लेकिन उसमें गए यहाँ पे प्रॉब्लम ये कि कहीं कहीं पे आप लोग दिखेगा, कहीं कहीं पे नहीं रहेगा। तो इस कारण से गए मैं बोलूंगा कि ओशन पैलेस में जाइए, वहां पे 100% कन्फर्म है कि जो एयर ड्रॉप टोकन है ये आप लोग को यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हो गया गाइस यहाँ पे कंप्लीट इवेंट बीजीएमआई का। बाकी अब चले गए यहाँ पे पबजी मॉल के अंदर, बताता हूँ कि एग्जैक्टली किस कॉन्सेप्ट के साथ पबजी मॉल के अंदर ये इवेंट यहाँ पे देखने को आज यहाँ पे मिल रहा है। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैं आ चुका हूँ पबजी मॉल के अंदर, और पबजी मॉल के अंदर में गए जहाँ पे देख सकते हो एयर ड्रॉप कार्निवल करके गए जहाँ पे ये इवेंट आ गया है। और बता दूँ गाइस कि इसके अंदर में भी गए जहाँ पे जो रिवार्ड है वो गए जहाँ पे लगभग सेम है, लेकिन पबजी मॉल के अंदर कुछ और आप लोग को एक्स्ट्रा यहाँ पे रिवार्ड मिलेगा। और पबजी मॉल के अंदर गए जहाँ पे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग का कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो इवेंट है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, और थोड़ा छोटा इवेंट रहेगा आप लोग का बीजीएमआई के कंपेरिजन में। यहाँ पे होगा ये गाइस कि आप लोग को 2 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में मिशंस कंप्लीट करना पड़ेगा, और 16 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच में आप लोग को गाइस यहाँ पे जो रिवार्ड रहेगा बस उसको यहाँ पे कलेक्ट कर पाएगा। तो अब चले गए यहाँ पे पहले आप लोग को रिवार्ड सिखा देता हूँ, उसके बाद गए यहाँ पे बताऊंगा कि एक्चुअल में कैसे आप लोग जो इसका मिशंस है उसको यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो इसके अंदर में गए जहाँ पे बता दूँ कि जो कॉन्सेप्ट है इसमें क्या होगा कि बीच में एक एयर ड्रॉप आप लोग दिख रहा होगा, और इसमें गए जहाँ पे बता दूँ कि टोटल मिला के 5 लेवल का रिवार्ड रहेगा जो कि है जहाँ पे इसके अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। तो एक करके है जहाँ पे 5 लेवल का रिवार्ड आप लोग दिखा देता हूँ। तो लेवल 1 में गए जहाँ पे देख सकते हो 5 अलग अलग है जहाँ पे आप लोग का वाउचर दिख रहा होगा, जिसमें गए जहाँ पे कुछ आप लोग का वाउचर है जो कि है जहाँ पे एक्सोट के अंदर यूज होगा, और कुछ कुछ गए जहाँ पे देख सकते हो कूपन हो गया जो कि है जहाँ पे आप लोग प्रीमियम क्लासिक या फिर सप्लाई क्रेडिट कूपन है। बाकी इसके अलावा गए जहाँ पे जैसे ही लेवल 2 में जाएगा तो जैसे गए जहाँ पे बीजीएमआई के अंदर आप लोग को इमोट यहाँ पे 5 मिल रहा है, उसी टाइप से गए जहाँ पे देख सकते हो वही सेम 5 इमोट है। लेकिन गए जहां पे पबजी मॉल के अंदर क्या होगा कि इसमें से बस एक ही इमोट आप लोग गए जहां पे मैक्सिमम ले पाएगा, और बीजीएमआई के अंदर जैसे कि मैंने बोला गाइस कि मिनिमम आप लोग को 2 इमोट तो 100% कंफर्म है कि मिलेगा ही मिलेगा, और बाकी कुछ एक्स्ट्रा इवेंट आता है तो और गए जहां पे एक्स्ट्रा आप लोग को इमोट मिल सकता है, लेकिन पबजी मॉल के अंदर एक इमोट आप लोग को मिलेगा। और बाकी इसके अलावा गए जहां पे देख सकते हो जैसे लेवल 3 जाएगा तो इसमें गए जहां पे कैरेक्टर वाउचर है जो कि आप लोग को मिल जाएगा, और बाकी नीचे में गए जहां पे देख सकते हो वही सेम इमोट जिसमें से गाइस कोई भी एक इमोट आप लोग ले सकते हो, और नीचे के गाइस यहां पे जो रिवार्ड है उसमें से कोई भी 2 रिवार्ड ले पाएगा। और मान लीजिए गाइस यहां पे लेवल 4 अगर आप लोग कर लेते हो तो इसमें गाइस यहां पे देख सकते हो 5 अलग-अलग पॉपुलैरिटी पॉइंट है जिसमें कोई भी एक पॉपुलैरिटी पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो, उसके अलावा गाइस यहां पे देख सकते हो इसमें से 2 रिवार्ड सेलेक्ट कर सकते हो, नीचे वाला जो इमोट है उसमें से 1 रिवार्ड सेलेक्ट कर पाएगा, और लास्ट वाले से गाइस यहां पे 4 रिवार्ड आप लोग सेलेक्ट कर पाएगा। और जैसे गाइस यहां पे मान लीजिए लेवल 5 हो जाएगा तो इसके अंदर में सबसे मेन रिवार्ड है जहां पे देख सकते हो आप लोग को लेजेंडरी कैटेगरी के यहां पे आउटफिट और साथ में हेडगियर है, जिसमें गए यहां पे देख सकते हो 2 हेडगियर है जिसमें से कोई भी एक हेडगियर ले सकते हो, और 3 गए जहां पे देख सकते हो डायरेक्ट परमानेंट के लिए आउटफिट आपको दिख रहा है जिसमें से कोई भी एक आउटफिट आप लोग यहां पे रिडीम कर सकते हो। और बीजीएमआई के अंदर गए जैसे कि मैंने बोला कि आप लोग को बस 2 इमोट मिल रहा है, लेकिन यहां पे गए आप लोग को आउटफिट मिल रहा है। तो पबजी मॉल के अंदर मैं बोलूंगा कि थोड़ा ज्यादा अच्छा ये इवेंट आया क्योंकि इसके अंदर गए जहां पे आप लोग को डायरेक्ट आउटफिट मिलने वाला है। बाकी इसके जहां पे नीचे का जो रिवार्ड है वो सारा का सारा रिवार्ड आप लोग का सेम रहेगा। तो अभी गए जहां पे बात करते हैं कि अगर मान लीजिए पबजी मॉल के अंदर हम लोग लेवल 5 तक पहुंच जाते हैं तो क्या लेवल 4, 3, 2, 1 का भी रिवार्ड मिलेगा? तो जी नहीं गाइस, ऐसा नहीं है। यहां पे बता दूं कि जो लेवल तक आप लोग यहां पे 16 तारीख तक पहुंचिएगा उसी लेवल का बस रिवार्ड मिलेगा, यानी कि अगर आप लोग लेवल 5 तक पहुंचे तो लेवल 5 का बस रिवार्ड मिलेगा, लेवल 4 में पहुंचे तो लेवल 4 का रिवार्ड मिलेगा, यानी कि कुछ भी कर लीजिए मैक्सिमम गए जहां पे जो इमोट है वो आप लोग को एक से ज्यादा पबजी मॉल के अंदर नहीं मिलेगा। बाकी अभी गए जहां पे बात करते हैं कि इसके अंदर में मैक्सिमम गए जहां पे हम लोग को कितना पॉइंट करना पड़ेगा लेवल 5 यहां पे कंप्लीट करने के लिए। तो बता दूं गाइस कि अगर आप लोग गए जहां पे लेवल 1 में ही रहते हो तो लेवल 1 के लिए गए जहां पे कुछ भी आप लोग का रिक्वायरमेंट नहीं है, 0 गए जहां पे पॉइंट रहेगा तब भी लेवल 1 का रिवार्ड आप लोग कंफर्म है कि मिलेगा मिलेगा। लेवल 2 के लिए गए जहां पे देख सकते हो 200 आप लोग को यहां पे टोकन की जरूरत पड़ेगा, लेवल 3 के लिए गए जहां पे 600 टोकन का जरूरत पड़ जाएगा, लेवल 4 के लिए गए जहां पे 1200 आप लोग को टोकन का जरूरत पड़ेगा, और लेवल 5 के लिए गए जहां पे देख सकते हो 2000 टोटल मिला के अगर आप लोग पास टोकन रहेगा तब जाकर गए जहां पे लेवल 5 का जो रिवार्ड है वो आप लोग को यहां पे मिलेगा। यानी कि इन शॉर्ट में बात करूं तो टोटल मिला के गए जहां पे कैसे भी करके 2000 आप लोग को एयर ड्रॉप टोकन यहां पे कलेक्ट करना पड़ेगा पबजी मॉल के अंदर, जिससे गए जहां पे आप लोग को जो लेवल 5 का जितना भी रिवार्ड है वो सारा का सारा रिवार्ड यहां पे मिल जाएगा। बाकी अभी गए जहां पे बात करते हैं कि पबजी मॉल के अंदर ये जो एयर ड्रॉप टोकन है वो मिलता कैसे है, तो इसके लिए गए जहां पे देख सकते हो
अलग से गए जहाँ पे कुछ मिशन दिया गया है, जहाँ पे आप लोग करना ही है कि आप लोग को है जहाँ पे स्क्वाड में, यानी कि एक तो आप रहेगा और तीन और कोई फ्रेंड को है जहाँ पे इन्वाइट करना है, और इन्वाइट करने के बाद गए जहाँ पे चारों लोग मिल के गए जहाँ पे जो मैच में 5 मिनट या उससे ऊपर सर्वाइव करेंगे तो उसी मैच का गए जहाँ पे जो जो मिशन इसमें देख सकते हो आप लोग दिख रहा होगा उसको यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा, और कंप्लीट करते गए जहाँ पे एयर ड्रॉप टोकन मिलेगा। और ध्यान रखिएगा जहाँ पे आप लोग ये जो मतलब इवेंट है ये टोटल मिला के 3 वीक के आसपास का गए जहाँ पे चलेगा, यानी कि 3 बार रिफ्रेश होगा, और टोटल मिला के गए जहाँ पे लगभग 1980 के आसपास टोकन गए जहाँ पे बस इस इवेंट के थ्रू मिलेगा। और इसमें भी गए जहाँ पे देख सकते हो एज ए स्क्वाड में भी आप लोग खेलना है, और साथ में गए जहाँ पे डुओ यानी कि एक और कोई फ्रेंड को आप लोग को इन्वाइट करके डुओ में भी गए जहाँ पे कुछ मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा, और इससे भी गए जहाँ पे टोकन मिलेगा, और दोनों को गए जहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि मिला के 1980 गए जहाँ पे टोकन 100% कन्फर्म है कि यहाँ से आप लोग को मिलेगा मिलेगा। और देख सकते हो गए यहाँ पे जैसे कि मैंने एक फ्रेंड को यहाँ पे जैसे ही इन्वाइट किया और जैसे ही मेरा फ्रेंड यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे जो इनकम्प्लीट करके गए जहाँ पे नीचे में जो मिशन आप लोग लिखा हुआ आ रहा है वो गए जहाँ पे बता दूँ कि जैसे ही कोई भी मेरा फ्रेंड यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा तो देख सकते हो गए जहाँ पे गो करके लिखा हुआ आ जाएगा, यानी कि उसके बाद आप लोग मिशन को कंप्लीट कर सकते हो। और ध्यान रखिएगा कि जिस फ्रेंड को आप लोग इन्वाइट कीजिएगा उसी के साथ आप लोग को मिशन कंप्लीट करना है, और वो भी उस मैच का यहाँ पे मिशन काउंट होगा जिसमें 5 मिनट मिनिमम आप लोग क्लासिक मोड के अंदर सर्वाइव किए होंगे। तो ये हो गया जहाँ पे पहला इवेंट, और दूसरा इवेंट गए जहाँ पे देख सकते हो एक और आप लोग दिख रहा होगा जिसका नाम है समर ड्रिफ्ट बोटल करके, जिसमें क्या होगा कि डेली गए जहाँ पे 5 बार आप लोग गए जहाँ पे अपने फ्रेंड को इन्वाइट कर सकते हो, ये बोटल सेंड कर सकते हो, और आपका फ्रेंड भी गए जहाँ पे बोटल आप लोग को यहाँ पे सेंड करेगा, जिसके जहाँ पे देख सकते हो आप लोग राइट साइड में दिख रहा हो कि ऑलरेडी मेरा एक फ्रेंड गए जहाँ पे मेरे को बोटल सेंड कर चुका है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे गए जहाँ पे इसको आप लोग ओपन कीजिएगा तो आपको भी गए जहाँ पे 5 मिल जाएगा टोकन, और आपका जो फ्रेंड रहेगा जो कि आपको भेजा है उनको भी गए जहाँ पे 5 टोकन मिल जाएगा। और गाइस यहाँ पे बता दूं कि कभी कभी यार आप लोग किस्मत अच्छा रहा तो 5 तो यहाँ पे जो टोकन है वो मिलेगा ही, लेकिन इसके अलावा गाइस यहाँ पे एक्स्ट्रा आप लोग को 25 एयर ड्रॉप टोकन यहाँ पे मिल सकता है अगर गाइस यहाँ पे गोल्डन कलर का आप लोग का बोटल आ जाएगा तो। और इससे गाइस यहाँ पे क्या हुआ कि इस इवेंट के थ्रू मैक्सिमम गाइस यहाँ पे 10 फ्रेंड को आप लोग यहाँ पे इन्वाइट कर सकते हो, और जैसे गाइस यहाँ पे 10 फ्रेंड को आप लोग इन्वाइट कीजिएगा और आपका 10वां फ्रेंड यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा तो टोटल मिला के गाइस यहाँ पे बता दूं कि मैक्सिमम इस इवेंट के थ्रू 200 गाइस यहाँ पे एयर ड्रॉप टोकन आप लोग को यहां पे मिल जाएगा। और इससे गए यहां पे क्या होगा कि 200 एयर ड्रॉप टोकन यहां से और वहां से मैंने बताया था गाइस कि 1980 मिल रहा है, यानी कि लगभग गए यहां पे 2180 के आसपास टोकन हो जाएगा, और उसमें से गए यहां पे 2000 टोकन में आप लोग को यहां पे जो इवेंट है उसके अंदर में गए यहां पे आप लोग कंप्लीट हो ही जाएगा। और इसके अलावा गए यहां पे जो एक्स्ट्रा आप लोग का मैच वगैरह खेलेगा तो वहां पे जो आप लोग को ये जो एयर ड्रॉप का टोकन मिलेगा वो गए यहां पे अलग मिलेगा। तो इससे गए यहां पे क्या होगा कि आराम से इजीली आप लोग लेवल 5 पे कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन बस ध्यान ही रखिए कि टाइम आप लोग पास कम रहेगा, 15 तारीख से पहले पहले गए जहां पे आप लोग को 5 लेवल कंप्लीट करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं गाइस यहां पे सारा डाउट मैंने क्लियर कर दिया, BGMI और PUBG मोबाइल के अंदर किस टाइप का इवेंट है वो भी मैंने बता दिया। बाकी इसके अलावा गाइस कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग चाहो तो कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी मैं मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।